बापू कहाँ है? वो तो कारखाने चले गए। मैं कह दिया ना कि आज शाम को मेरी बेटी की शादी है, काम से जल्दी आ जाए। कह दिए चाचा जी। अच्छा बेटा, एक दो चाय बेटा जरा गरम। तुमने कहा था ना पतंग के लिए पैसे दो। अभी नहीं, ना ना मुझे अभी चाय, ना माँ मुझे अभी चाय, पैसे दो अभी नहीं। ना मुझे क्यों भाई, तुम सब लोग आ रहे हो ना मेरी बेटी की शादी में? हाँ जरूर आएंगे, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी है, तुम सब काम संभाल लेना, मैं सेठ जी से मिलकर आता हूँ। माँ मुझे पैसे दो, मैं मुझे अभी चाय। अकेली मत जाइ हो राधे जमुना के तीर, राधे जमुना के तीर, अकेली मत जाइ हो राधे। शेरा ओ शेरा आ गया राजा यार। दादा क्या है भाई? दादा आज तुम्हारे लड़की की शादी है। भूल
तो नहीं गए ना? नहीं नहीं भूला गिरधारी भाई, याद है। आज शाम को काम से जल्दी लौट आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। शेर हाँ हाँ याद है ना? ऐसा उल्लू की माफिक तुम बात करते हैं? अरे तुम्हारा लड़की का शादी नहीं है, सारे मोहल्ले की लड़की का शादी है। हेलो तुमको हम दांत तेज करते हैं, तुम पुलावला बनाया कि नहीं? हाँ पुलावला सबका इंतजाम बाजू के मैदान में कर दिया है। ये पुतली नाचेगी और शामू गाएगा। वालेकुम सलाम। ये तो पुतली तुम बराबर से उधर नाच जाओ, समझे ना? सनी तुम्हारा टांग तोड़ डालेगा। सब माले कहीं तक का सवाल है ना तुम? आज हम भी नाचेगा। रामू क्या है दादा? क्या गा रहा था रे? कुछ नहीं दादा। कुछ नहीं? अरे अभी तो गा रहा था तू। थोड़ा सा भजन गा रहा था। ओ भजन, सुबह सुबह भजन गाना बहुत अच्छा होता है। गा तो गा गा। यहाँ शर्माता क्यों है? अकेली मत जय हो राधे जमुना के। वाह वाह वाह, क्या सम के ऊपर मारा है वल्ला तुमने। अरे रामू क्या हो गया भाई? मारा दादा ने। मारा? हाँ बेचारा। किधर लगा? अकेली मत जाइयो। नहीं नहीं वो अकेली नहीं है, इस महल्ले की कोई बिटिया अकेली नहीं है, समझा? हाँ समझ गया। अभी अभी ऐसा समझा कि हमेशा याद रखेगा। अकेली मत जाइयो। शेर खान का जान, एक दो प्याला चाय लाओ। जरा गरम ले आना, दांत में बहुत दर्द है। कमाल ये बात है, तुम रामू को चांटा मारा और तुम्हारे दांत में दर्द है। बस बस, तो दर्द के मारे रात भर नींद नहीं आई और तेरी भड़बड़ शुरू हो गई। तेरा गिरा दिलगिर मशा। बंद कर गाना। यार तुम कैसा आदमी है? ये कोई अंग्रेज का हुकूमत तो नहीं है ना? तुम हमको बोलने देते ना तुम हमको गाने देते। देखो बहादुर, तुम इस गाने का मतलब समझते? इसका मतलब है ए रागीरा दिलगीर मशे, ए मुसाफिर दिलगीर मत हो जाओ, अब सब तरफ रोशनी रोशनी। ए रागीरा दिलगीर मशे, उसर ख्वाजी वे बली। गागा देखता हूँ अंधेरा होता क्या उजाला होता। छोड़ो यार, शेर चिली ठीक बोलता था, जो आदमी गाना नहीं समझते वो आदमी दूसरे का खून भी कर सकता। रहने दे रहने दे, शेख चिली ने तेरा गाना नहीं सुना था। इसमें बड़ा रोने की क्या बात है? दादा को बता दिए सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या हुआ? क्या बताऊं दादा, इस शेख ने 30 रुपए महीने पर लकड़ी का गैरेज देने का जवाब दिया था और मैं पिछली खोली भी छोड़ चुका हूँ। फिर क्या हुआ? जब मैं बाल बच्चों को लेकर के आया, 30 की जगह पर 60 रुपए भाड़ा और 500 रुपए पकड़ी। क्यों? इसलिए दादा कि 500 रुपए उन्हें कोई पकड़ी दे रहा है। दादा तुम ही बताओ कि मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ? खोची वो जालिम का बच्चा तुमको जबान दे के फिर गया। खुदा का कसम हम इसका गिची घोप देगा। चल शेरा चलो हमारे साथ। आप भी आइए। ये पांच, ये दस, ये पंद्रह, ये 20,000। 20,000? लेकिन यहाँ तो 20,000 22 है, ऊपर के 22 कहाँ है? सेठ जी अब 22 रुपए छोड़ दीजिए ना। सेठ जी अब 22 रुपया छोड़ दीजिए ना, क्या पागल हो गए तुम? ये 22 रुपए सूद क्या है? ये मूल 20,000 में छोड़ सकता हूँ लेकिन सूद की एक पाई नहीं छोड़ूंगा। निकालो निकालो। अच्छा जल्दी। 22। अरे बाप रे, भागो भागो। नमस्ते सेठ जी। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम शेरखा। बहादुर बैठो बैठो, क्या बात है? सेठ जी एक बात पूछनी है। ये आपकी खिड़की पे जो कांच लगे हैं बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी, काफी कीमती है ना? बहुत बहुत। इसमें अगर कोई पत्थर मारे तो? पत्थर? पत्थर क्यों मारेगा? ओहो मारेगा नहीं, ऐसे ही पूछते है। सेठ जी ये बाहर लकड़ी का गैरेज है ना? हाँ। उसमें अगर कोई आग लगा दे? आग? आग क्यों लगाएगा बाबा? ओहो लगाएगा नहीं, ऐसे ही पूछते है। पूछो पूछो, ऐसे ही पूछो। और एक बात हम पूछते सेठ जी, तुम इतना बड़ा मकान में रहते हैं, समझो अगर कोई दो गुंडा तुम्हारे मकान में घुस जाए और तुम्हारा गले दबा दे
वो कुछ डरो मत, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। बोलो बोलो, ऐसे ही बोलो। अरे सेठ, यहाँ हर चीज खतरे में है, इनकी हिफाजत के लिए एक आदमी की जरूरत है। आदमी? तुम चिंता मत करो, वो आदमी हमने रख लिया। ओहो भाई साहब, अंदर आ जाओ, आ जाओ। सेठ, ये आदमी सब देखभाल करेगा, इसको पगार 30 रुपया महीना देना होगा। वो 30 रुपया? इतने बड़ा सेठ का बेइज्जती करते तुम, इसको 40-50 देने को बोल। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं, हम 30 रुपया देगा, 30 रुपया देगा, देगा। शेरा, तू हर बात में टांग अड़ाता है। सेठ 30 रुपया मान गया ना, बस हो गया। और देखो सेठ, इसके रहने के लिए वो बाहर लकड़ी वाला गैरेज भी दे दो। वो लकड़ी वाला गैरेज नहीं भाई, उसके बाजू में जो कोली है वो उसको बोलो देने के लिए। नहीं, वो कोली हम भाड़े से दे दिया, उसका किराया भी ले लिया, उसमें एक मेम साहब आने वाला है। मेम साहब? मेम साहब? बहादुर, ये मेम साहब कौन है, तुम जानते हो उसको? अरे नहीं होगी कोई, तुझे क्या पड़ी है। मगर वो इस मायने में क्यों आते है? जाने दे यार। देखो से, ये बुजुर्ग बाप के बराबर है, ये सब देखभाल करेगा, तुम कोई चिंता मत करो, समझे? और एक बात हमारा भी सुन लो, एक हफ्ते के अंदर उसको एक दिन छुट्टी जरूर देना सिनेमा देखने के लिए। उसको टिकट भी निकाल के देगा और आने जाने के लिए गाड़ी भी देगा। नमस्ते सेठ जी, खुदा हाफिज। ये बहादुर इधर आओ, ये देखो मीन साहब कितने खूबसूरत है। क्या हो गया तेरे को? अपने मोहल्ले में आएगा ना? चल चल, मोहल्ले में आएगा। दादा शेर खान, क्या है? वो लोग मुझे फल नहीं बेचने देते। कौन लोग? वो जग्गू और उसके साथी। क्यों क्यों? कहते हैं बस हमारी मर्जी। यार हम इस जग्गू से बहुत तंग आ गया, खुदा का कसम। चलो देखते हैं कैसे नहीं बेचने देते। चलो देखो कैसे नहीं बेचने देते। सुनो भाई, बहादुर सिंह और शेर खान कहाँ है? वो सामने। दादा दादा, क्या है गिठारी भैया? सब सत्यानाश हो गया दादा। क्या हुआ? तुमको बताया था ना कि बेटी की शादी का बंदोबस्त सामने के मैदान में किया है। फिर बाजू के मकान से लाइन लेने वाला था लाइट के लिए, लेकिन जग्गू के गुंडों ने उस आदमी को डरा दिया, कहा कि अगर लाइट दोगे तो हम तुम्हारा मकान जला देंगे। अब रात को बारात आ रही है दादा, अगर लाइट का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो हम सब ठीक कर देगा, वो उसका घर चलाएगा, हम पूरा मोहल्ला उसका चला देंगे। तुम कल जलाओ, बारात आ जा रही है। तुम फिक्र मत करो गिरधारी भैया, हम सब ठीक कर लेंगे। अगर लाइट का बंदोबस्त नहीं हुआ दादा तो वो कुछ तुम दिन का रोशनी में शादी क्यों नहीं करता है? चुप रहे शेर खान, तुम जाओ गिरधारी भैया, हम कुछ भी कर लेंगे, जाओ। अच्छा दादा, अच्छा। तुम किधर से रोशनी का इंतजाम करेगा? मैं सब कुछ कर लूंगा। तू कुंदन, चंदन सिंह, अब्दुल और बिहारी सबको बुला। अब्दुल, चंदन सिंह, बिहारी, वो कुंदन, इधर आओ, वो इधर आओ। बिमला, अरे ओ बिमला, ओ गिरधारी चाचा, परत कब आएगी? अभी आएगी बेटिया। गिरधारी भैया, अरे ओ गिरधारी भैया। ललित, दादा का कुछ पता चला? कुछ नहीं, मैं तो लुट गया ललित, बर्बाद हो गया। मैं बरातियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, उन्हें कहां बिठाऊंगा? दादा ने कहा था कि रोशनी का सब प्रबंध हो जाएगा। न जाने क्यों, वैसे तो दादा जो कहते हैं करके रहते हैं। ये सब मेरी बदकिस्मती है ललित, मेरी बदकिस्मती। दादाजी बरात आ गई। बरात आ गई? ललित मैं तो भाग जाता हूँ, तुम लोग सब संभाल लेना। गिरधारी भैया हिम्मत ना हारो, ये क्या बात है। चाचा जी, चाचा जी, बारात आ गई चाचा जी, मैं नाचूंगी कैसे, मंडप में रोशनी नहीं है। अब मैं क्या होता हूँ बिटिया। इधर भैया, दादा आ गए। दादा आ गए? हाँ। चलो दादा, अब क्या होगा दादा, बारात आ गई और लाइट का अब तक कोई प्रबंध नहीं हुआ। गिरधारी भैया तुम फिक्र मत करो। और तुम बिल्कुल मत घबरो, हम लोग का वादा कभी खता नहीं होता। उधर देखो, हम लोग तैयार, चालू करो। 1, 2, 3, 4।
शादी हो गया, शेरा तो आ गया। ये माले का दामाद है, खुदा का कसम बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हाँ, चांद का टुकड़ा है लेकिन पूनम का नहीं, अमावस का है। खामोश खामोश, सुनो भाइयों सुनो, शादी तो अभी हो चुकी, अब हम इस नए दूल्हे दुल्हन को शादी के बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं। शादी का मतलब होता है खुशी, कभी कभी आपस में झगड़ा भी हो जाता है। असल में शादी हुतूतू के खेल की तरह ही है, जिसमें हार भी होती है और जीत भी। अब हम आप लोगों को बस्ती की तरफ से इसका एक खेल बनाकर पेश करते हैं। आओ भाई 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 भाई, जल्दी शुरू करो। ओ यार बहादुर, एक बात हमारा समझ में नहीं आता। वो क्या? वो हमारे मोहल्ले में मेम साहब कौन आने वाले? फिर तूने दिमाग चाटना शुरू कर दिया, जा बैठ उधर, उठ। वो हम ऐसे ही पूछ रहे थे यार। तू हम तो लड़े जिंदगी से, हमसे लड़े तू, हमसे लड़े तू 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 तू। जब से की लुगाई दोस्त गए यार गए, जब से की लुगाई हमने जाने किस खुशी में बांटी थी मिठाई, हमने जाने किस खुशी में बांटी थी मिठाई। हो तू तू हो तू तू हो तू 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 करो काज करो रोटी भी जुटाओ, काम करो काज करो रोटी भी जुटाओ, घर आके बीबी के दुखड़े सुनो और सो जाओ, घर आके बीबी के दुखड़े सुनो और सो जाओ। हाथ दाबो पाँव दाबो माथा भी सहलाओ, हाथ दाबो पाँव दाबो माथा भी सहलाओ, बाबूजी जब सो जाए तो मुन्नी को सुनाओ, बाबूजी जब सो जाए तो मुन्नी को सुनाओ। तू 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 हम तो लड़े जिंदगी से, हमसे लड़े तू, हमसे लड़े तू 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 तू। हम तो घर में चूल्हा फूके मजे करे तू, मजे करे तू 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 तू। तुम्हारी सुनूं जब भी तुम पुकारो, हरदम मैं तुम्हारी सुनूं जब भी तुम पुकारो, मियां बीबी राजी तो दुनिया को गोली मारो, मियां बीबी राजी तो दुनिया को गोली मारो। तू 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 तू।
उधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, तुम उधर जाओ, उधर कर रहे जाओ, बराबर ए बहादुर मारा, अच्छा अच्छा बराबर मारो, आ जाओ मैदान के अंदर, देखेगा तेरा पहलवानी उसको, आ जाओ बराबर से मारना, नो मेम साहब ए बहादुर, बहादुर जरा साफ कर जाओ, मेम साहब जाएगा, खोदा पाड़ और निकली चूजिया। बदमाश लोग दादागिरी दिखाने को मांगता है, ठोंगा वाला सामान इधर में लाओ। सोता रहेगा या कुछ बोलेगा भी सही? शेरा मैं सो नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या सोचते हैं तुम? ये जो कुछ हुआ ये सच है या सपना है? भाई साहब ये सपना अपना नहीं है, उसने हमारा मुंह का किचड़ी बना दिया है, हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में नहीं कीचड़ में मिला दिया है। हम दोनों भीगी बिल्ली की तरह वहां से चुपचाप चले। ओए तो हम क्या करते हो, तुमको कितनी दफा बोल दिया है कि हम औरत के ऊपर हाथ कभी नहीं उठा जाएगा, यही तो मुसीबत है, हमको इस अपमान का बदला लेना ही पड़ेगा। तो कैसे ही लेगा, तुम सोचो ना कुछ। सोचने दो शेरा, आज रात को हम उसके घर पर पीछे से पत्थर मारेंगे। बहादुर सिंह, तुम्हारा नाम बहादुर सिंह है ना? तुम गीदर सिंह है, तुमको शर्म नहीं आ जाएगा कि उस बुढ़ा औरत का घर के पीछे से तुम पत्थर मारेगा उसको? फिर क्या करेंगे? कुछ और सोचो। तुम सोचो, हमारा भेजा इतना नहीं है, चलो आ गया हमारा दिमाग में, देखो ऐसा करेगा हम दोनों इधर से शेर की माफिक निकलेगा, सीना तान कर उधर जाएगा, एकदम उसका घर को टोकर मारकर दरवाजा खोलेगा और उसको बोलेगा, बूढ़ा मेम साहब तुम ये माला छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा तंदुरुस्ती के लिए यही अच्छा है। बोलो कैसा बोला हम? शेरा, तेरा नाम शेर खान है ना? शेर खान, तू गेदा खान। वो औरत जिसने हमको सबके सामने चाटा मारा वो तेरे कहने से डर जाएगी और मोहल्ला छोड़कर चली जाएगी? ये हम नहीं सोचा था। आइडिया आया। आया? हाँ। उठो बोलो क्या आ गया, जल्दी उठो। शेरा हम दोनों बुड्ढी के घर जाएंगे, उसको प्यार से कुर्सी पर बैठने के लिए कहेंगे। प्यार से? सुन तो, जब वो कुर्सी पर बैठ जाएगी तो हम पीछे से कुर्सी उठाकर बाहर फेंक देंगे। समझा? नहीं अरे औरत पर हाथ भी नहीं उठेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। उसको कुर्सी पे बिठा जाएगा, उठा के उसको बहुत फेंक देगा, उसका हड्डी पतली भी टूट जाएगा, औरत के ऊपर हाथ भी नहीं उठ जाएगा। उठा के कदम मारे, तुम्हारा जवाब नहीं है, लो मेरा टोपी लो, आ जाओ। अगर बहादुर, हाँ एक बात बोलेगा यार। बोलो। वो बुढ़ा मेम साहब है ना? हाँ। खुदा का कसम एकदम काबिली औरत है, हम पठान का बच्चा, उसने हमको एक चांटा मारा, अभी तक हम खुदा की कसम तुम हमको दो दो नजर आते। तेरे साथ ये हुआ, इधर मालूम है क्या हुआ? क्या हो गया? कमाल है, एकदम जड़ से निकाल दिया।
ए बहादुर सिंह भाई, तुम्हारा बाल तो आहिस्ता आहिस्ता जाता था, हैं? अभी दांत भी जाने लगा है। मेम साहब, मेम साहब, खोल दो दरवाजा। मेम साहब, अरे तुम लोग, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। हम सोचते थे किसको बुलाएगा, क्या करेगा। आओ आओ, अच्छा हो गया तुम लोग आ गए। देखो ये बॉक्स कितना भारी है, हमारे से तो हिलता भी नहीं है। जरा वो कमरा में रख दो ना भाई, चलो उठाओ। शाबाश। अच्छा अभी ये मशीन उठाकर उधर रखो। चलो चलो आओ जल्दी आओ। अरे अरे मशीन टूट जाएगा। अच्छा तुम लोग इधर बैठो, मैं भी आती हूँ। यार ये कैसा औरत है, कभी बोलते बकस उठा के उधर रख दो, कभी बोलते मशीन उठा के इधर रख दो, अभी बोलेगा ये घर उठा करके इधर ठंडी जगह पर रख दो। हम इसको फेंकने को आया या कुली गीला करने को आ गया है? वो तो ठीक है, मगर उसको फेंकेंगे कैसे? वो कम्बा कुर्सी कहाँ है? किधर है कुर्सी? ये क्या है किधर? अरे शेरा मिल गए। लो खुदा का कसम मिल गए। मिल गया। तुम लोग क्या बोलता था? कुछ नहीं मेम साहब, खाली वो कुर्सी उठा के इधर रख दिया, क्योंकि तुम आके अभी बोलने वाला था, जरा कुर्सी उठा के बीच में रख दो, तुम पहले से रख दिया। अच्छा अच्छा ले, ले खा। हम नहीं खाएंगे। अरे बाबा तुम पहली दफा हमारे मकान में आया है, वो तो झूठा करना पड़ेगा। ओहो ठीक तो है बहादुर सिंह, मेहमान है, तुम इसका कहता क्यों नहीं? हम राजपूत है, हम किसी का नमक खाकर। लो खाओ, ये तो मीठा है, लो खाओ। और तुम नमक क्यों नहीं खाएगा? देखो मेम साहब, ये तुम्हारा समझने का बात नहीं है, तुम कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ। पहले तुम बैठो। नहीं हम इधर खड़ा है, ठीक है तुम कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ। अरे बाबा हम तुम्हारा घर में आएगा तो हमको बैठने को नहीं बोलेगा, ऐसा ही खड़ा रखेगा। क्यों नहीं बोलेगा? हम तुमको पहला मुसाफा करेगा, फिर तुमको कुर्सी देगा और बोलेगा बैठ जाओ मेम साहब इसके ऊपर। ठीक है ना? बिल्कुल। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेम साहब ऐसा कर जाओ कि तुम इसके ऊपर बैठ जाओ, हम इधर पलंग पर बैठ जाओ। अच्छा हम बैठते हैं। तुम्हारा नाम बहादुर सिंह है ना? हाँ। कितना अच्छा नाम है, फिर तुम हमारा बुढ़ी औरत का मजाक काहे को उड़ाता था? क्या हो गया, खड़ा क्यों हो गया तुम? ए, कुछ नहीं, शीशे में मुंह देखता था हम कैसा लगता है। अरे बाबा तुम हमारे घर में आया है, हमारा मुंह देखो, तुम अपना मुंह काहे को देखता है? बैठो इधर बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम शेर मोहम्मद खान वल्द अब्दुल जब्बार खान वल्द अब्दुल कद्दूस खान वल्द अब्दुल करीम खान। बाप रे, एक मील लंबा नाम, शक्ल भी शेर का माफी। फिर सुबह एक बुढ़ी औरत का मजाक काहे को उड़ाता था? अरे तुम्हारा प्लेट खाली हो गया, हम दूसरा लाते हैं। तुम हमारा फिक्र मत कर जाओ मेम साहब, तुम कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ। हमको मालूम नहीं पड़ता तुम काहे को गड़ी गड़ी कुर्सी पे बैठने को बोलते हैं। देखो मेम साहब, हम औरत जात के ऊपर हाथ नहीं उठाते, हम इसलिए तुमको कुर्सी के ऊपर बैठाता है ताकि तुम इसके ऊपर बैठो और हम कुर्सी को पकड़ कर तुमको दरवाजे से बाहर फेंक दे कि तुम्हारा हड्डी पसली टूट जाए। तुमने हम लोगों को चाटा मारकर मोहल्ले भर में हमारी बेइज्जती कर दी, इसलिए हम तुमसे बदला लेने आए। बैठो इस पे, बैठो। तुम लोग बदला लेने के वास्ते आए? बिल्कुल। अभी हम समझा तुम नमक नहीं काहे को खाता था, हाँ? तुम काहे को घड़ी घड़ी कुर्सी पे बैठने को बोलते है? ये हम बैठते हैं, फेंको हमको बाहर, फेंको। अभी मुंह क्या देखता है, फेंको हमको बाहर। खुदा तुमको मर्द बनाया इसका वास्ते ना, औरत का इज्जत करने का बदले उसका बेइज्जती करता है, उसके ऊपर जुल्म करता है। फेंको, फेंको हमको बाहर। तुम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं, हम खुद चला जाएगा, इस मोहल्ले में नहीं रहेगा।
जिसको खुदा फेंक दिया उसको इंसान क्या फेंकेगा। मुझे तुम किसके वास्ते रोते हैं? अजीब बात है, खुद मारा और खुद ही रोना शुरू कर दिया। ये तो हम बोलते हैं इसको। रोएगा नहीं तो हंसेगा कैसे? जो दुनिया में मर्द लोग बड़ी बहन का माफ एक बुढ़ी औरत का मजाक उड़ाता है, उधर हंसने के लिए क्या रखा था? हम तो ये समझ के इधर आया था कि इधर सब भाई भाई, तो हम देख लिया इधर कोई किसी का नहीं। ओ मेम साहब, खुदा के लिए तुम्हारा आंसू बंद करो। हम खून का दरिया देख सकते हैं मगर औरत का आंसू नहीं देख सकते हैं। हम कान पकड़ के तौबा करते हैं। मेम साहब, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ा खता हो गया है। हम अब अभी कभी दादागिरी नहीं दिखाएंगे। हम भी नहीं करेगा। तुम वादा करता है? खुदा का कसम, तुम कागज पर लिख दो, हम कौम उसके ऊपर दस्तखत लगा देता है बस। तुम दादागिरी नहीं दिखाएगा ठीक है, पर हम दीदीगिरी जरूर दिखाएगा। आज से हम तुम्हारा बहन, तुम्हारा दीदी। दीदी दीदी मेम साहब, बहादुर मेम साहब दीदी। नहीं नहीं शेरा, मेम दीदी बोलो। मेम दीदी, आज से हम तुमको मेम दीदी बोले। नहीं नहीं काली दीदी। नहीं मेम दीदी बोलेगा। हम तुमको सुबह मेम साहब बोला था, तुम हमको चाटा मारा था, तभी से हमारा तुमसे मुलाकात हो गया। यादगिरी के लिए हम तुमको मेम दीदी कहेंगे, रोज तुमको मिलने आएंगे। मेम दीदी हम रोज इधर आएगा, तुम्हारा खिदमत करेगा, तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकते। ये हुआ ना मर्द का माफक बात। चलो फिर से मुंह मीठा करो। चलो मुंह मीठा करो। ओए उल्लू की माँ भी तुम्हारा मुंह क्या देखते, इधर कुछ हरकत से तमाशा हो जाते। चल चबक जाओ। चश्मा भूल कर आया, एक मनी ऑर्डर फॉर्म लिखो। कितने का? 300 रुपया, रीटा रॉय डेविडसन हॉस्टल शिमला। रीटा रॉय डेविडसन हॉस्टल शिमला। रीटा बिल्लू रेखा इधर, जल्दी जल्दी। बिल्ली क्या हुआ? ये पर नीला के पिताजी का खाते, उन्होंने नीला की शादी सुरेंद्र ही से तय कर दी। रीता कह रही थी नीला की तो रात की नींद ही उड़ गई। रीता रीता कहाँ है? को जब नींद उड़ जाए, घड़ी घड़ी याद कोई आए, किसी भी सूरत से बहले न दे, तब क्या किया जाए? बोलो क्या किया जाए? रातों को जब नींद उड़ जाए, घड़ी घड़ी याद कोई आए, किसी भी सूरत से बहले न दिल, तब क्या किया जाए? बोलो क्या किया जाए? ये तो प्यार का रोग है, रोग बुरा, जिसे एक दफा ये लगा तो लगा। ये तो प्यार का रोग है, रोग बुरा, जिसे एक दफा ये लगा तो लगा। चंदा को देख आग लग जाए, तन्हाई में चांदनी न भाए, ठंडी हवाओं में कांपे बदन, तब क्या किया जाए? बोलो क्या किया जाए? ये तो प्यार का रोग है, रोग बुरा, जिसे एक दफा ये लगा तो लगा। ये तो प्यार का रोग है, रोग बुरा, जिसे एक दफा ये लगा तो लगा।
मुस्काए, दर्पण में सूरत पर आई दिखे, तब क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए। ये तो प्यार का रोग है, रोग बुरा, जिसे एक दफा ये लगा तो लगा। ये तो प्यार का रोग है, रोग बुरा, जिसे एक दफा ये लगा लगा। सखियों के बीच दिल घबराए, डर हो कहीं बात खुल जाए, लेकिन अकेले में धड़के जिया, तब क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए। ये तो प्यार का रोग है, रोग बुरा, जिसे एक दफा ये लगा तो लगा। ये तो प्यार का रोग है, रोग बुरा, जिसे एक दफा ये लगा तो लगा। किसी भी सूरत से पहले ना दिल, तब क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए। कुछ नहीं किया जाए, तैयार हुआ जाए। मालूम है पहला पीरियड किसका है? किसका है? इस चमटी का है? अरे बाप। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। हमको वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, और गाएगा भी नहीं तो मर जाए। एक तो पहले ही छुट्टी का दिन है, उस पर तू गाएगा, फिर तो एकदम छुट्टी। बादर, मीम दीदी, मीम दीदी, मीम दीदी, सलाम अलैकुम। नमस्ते, नमस्ते मीम दीदी। नमस्ते, नमस्ते। तुम लोग क्या करते हैं? ओ मीम दीदी, हमको भी खुद नहीं मालूम है कि हम क्या करते हैं। एक तो इतवार है, फजूल वक्त काट रहे, उस पर ये गाना गाकर बेड़ा गर्क कर रहा। तुम हमारा शिकायत जरूर उसको कर दे। हम तुम्हारे लिए खुर्ची लाते हैं। अरे नहीं नहीं मेम दीदी, हम लोग मजदूर आदमी हैं, कोई तकलीफ मत करो। मेम दीदी, ये क्या कर रही हो? स्वेटर बनाता है, हमारा बेटी के वास्ते। तुम्हारी बेटी? किधर है तुम्हारा बेटी? शिमला में पढ़ता है। पढ़ता है? शेखर, तुम्हारा बच्चा लोग है। मेम दीदी, तुम कैसा बात करते हैं? अभी तक हमारा शादी मेम नहीं हुआ तो बच्चे लोग किधर से हो जाएंगे? बहादुर सिंह, तुम्हारा शादी? मेम दीदी, इस गंजा को कौन लड़की देगा? रहने दे, रहने दे, मैं तो हूँ गंजा, तेरी शादी क्यों नहीं हुई? हमारा शादी का लफड़ा है, जब हम मुल्क से चला था, हम बोला था इधर आकर हम मजदूरी करेगा, पैसा कमाएगा, वापिस जाकर शादी करेगा। अभी हम पैसा भी कमा लेगा तो वापिस नहीं जा सकते। कैसे जाएगा हम मेम दीदी, हम मुल्क को चला जाएगा तो ये हमारा गंजा बूढ़ा का देखभाल कौन करेगा?
पगला कहीं का। मेम दीदी, एक तो वैसे ही छुट्टी का दिन मुसीबत होता है। क्यों बहादुर सिंह, छुट्टी का दिन मुसीबत क्यों होता है? क्या बोलेगा मेम दीदी, इतवार का रोज है, न कुछ काम है न कुछ काज है। ऊपर से शैतान का राज है। ए, हमको गाने भी नहीं देते, हमको कुछ मजा नहीं आता। ये तो मुसीबत है ना शेर खान, सब लोग अपना अपना खुशी देखते हैं, दूसरे का खुशी को अपना खुशी समझो, देखो कितना मजा आता है। दूसरे का खुशी अपना, देखो मीम दीदी, हम पहला जमात पढ़ा है, हमारा अकल बहुत मोटा है, जो तुमको बोलना है साफ साफ बता दो। बताता है, तुम जो लॉरी चलाता है ना, वो तुम्हारा खुद का है ना? हमारा लॉरी है। उसको इधर में लेकर आओ। इधर? मीम दीदी, आधा घंटा लगेगा लाने में। मीम दीदी, लॉरी इधर आके क्या करेगा? पहले इधर में लाओ, पीछे बताएगा। जाओ जाओ जाओ। चलो बाद मीम दीदी को हुक्म माने का। चलो बेटी, तुम लोग सब इधर आओ, आओ इधर। ए बहादुर यार, ये क्या शोर शाह रहे सब? चल मेम दीदी से पूछे। मेम दीदी, ये इतना शोर क्यों हो रहा? हम ये लोग को बोला बहादुर सिंह और शेर खान आया, हमको बोला तुम ये सब लोग को तैयार करो, हम लॉरी लेकर आता है, सब लोग को घूमने को लेकर जाएगा। बहादुर सिंह, हम बोला ना दूसरे का खुशी में खुशी ढूंढ, देखो ये लोग कितना खुश है, इसका वास्ते तुम लोग खुश है और खुदा भी खुश है ना? मैं दीदी, मैं दीदी, जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो बाबा, जल्दी चलो चलो जल्दी। बहादुर सिंह जिंदाबाद, शेर खान जिंदाबाद, बहादुर सिंह जिंदाबाद, शेर खान जिंदाबाद। नहीं नहीं नहीं, बोलो मैम दीदी जिंदाबाद, मैम दीदी जिंदाबाद। चलो मैम दीदी, तुम जल्दी से बैठ जाओ, बैठो। अरे शांति, जरा मुझे सहारा तो दे, मैं चढ़ जाऊँ। शांति भाई, तुम नहीं आएंगे? मैम दीदी, हम जाएंगे तो बस्ती की देखभाल कौन करेगा? अरे मैम दीदी, इसको इधर ही रहने दो, ये भी लारी में बैठेगी तो टायर पंचर हो जाएगा। मत रो नीला, मत रो, फिकर न कर, हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या, ये पूछ क्या नहीं हुआ। वो लड़का है ना जिसका फोटो आज सुबह देखा था? हाँ, वो सुरेंद्र। हाँ, उसके माँ बाप ने नीला की उसके साथ शादी तय कर दी है, और वो कहीं और शादी कर ली थी। चलो जान छुटी। नहीं पीलू, जान छूट जाती तो फिर बात ही क्या थी। रोना इस बात का है कि सुरेंद्र पहले दिन अपॉइंटमेंट लेकर एक घंटा पहले आया था, दूसरे दिन 40 मिनट पहले, तीसरे दिन आधा घंटा पहले, और आज 25 मिनट बाकी है और अभी तक नहीं आया। जानती हो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? मतलब जब शादी हो जाएगी तब आएगा ही नहीं। चुप कर डाले, मत रो, ये ले। शांति, माजुरी, नीलू, सब इधर आओ। ये देखो, आज ये सब नीला के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा, परसों मेरे साथ हो सकता है। जितना हम शराफत का सबूत देते हैं, इतना ही ये लड़के सर पे चढ़ते हैं। हम इन्हें सबक सिखा देंगे। सुनो सुनो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम सब मिलकर इन लड़कों के खिलाफ एक क्लब बनाएंगे, बॉय हेटर्स क्लब, जिसका मोटो होगा डू और डाई। तुम सब मिलकर कसम खाओ, करूंगी या मरूंगी, करूंगी या मरूंगी, करूंगी या मरूंगी। नीला बेबी, सुरेंद्र बाबू आए हैं।
अभी कसम खाई थी ना, करूंगी या मरूंगी, मैं मरूंगी। देख लिया, अब तो क्लब बनाना ही पड़ेगी। बन तो गई, हम सब मौजूद हैं। और इस क्लब की प्रधानी के लिए मैं रीटा का नाम पेश करती हूँ। मैं सेकंड करती हूँ। थ्री चीयर्स फॉर रीटा। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नो जेंटलमैन, ये कितनी अफसोस की बात है, मेरा मतलब कितनी खुशी की बात है कि हमने ये क्लब बनाया है। लेकिन एक अफसोस की बात है कि इसके बनते ही हमारी एक इम्पोर्टेंट मेंबर हमें धोखा देकर चली गई। नीला गद्दार है। आज से जो लड़की खुलेआम या छुप छुपा कर किसी भी लड़के से मिले तो उसका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। अरे अरे, कहाँ चली? सुनो तो, इसका मेरा झगड़ा हुआ है, बिल्कुल बोलचाल बंद है। अरे, बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी। रेखा, तू तो जानती है दिलीप से मेरा झगड़ा हो गया, ना मैं किसी की ना कोई मेरा। छाया चारों ओर अंधेरा। चलो कोई नहीं, तुम तो हो। ये हिम्मत, ये जुर्रत, मैं भी मजा चखा दूंगा, देख लूंगा। समझ क्या रखा है तूने? दादा शेरखा भाई, जरा जल्दी चलो मेरे साथ, जल्दी। अरे अरे, तुम तो ऐसे चलाते जैसे तुमको कोई मार दिया क्या? हाँ शेर खान भाई, मार दिया। हाँ? तुमको कोई मारा? हाँ। हमारे मोहल्ले में उसका खून पी जाए। किधर है वो? आओ ना मेरे साथ। चलो बताओ तुमको पत्ता बच्चा किधर है? हटाओ बकरी। समझ क्या रखा है? निकल बाहर, अब निकल। अरे निकल। अरे ये सालिम का बच्चा तुमको मार के अंदर घुस गया। हाँ खान भाई, देखो ना बदमाश का बच्चा, निकल के आ जाओ बाहर। किधर है वो बदमाश? ये है वो बदमाश। देखो खान भाई, देखो मुझको भी बदमाश कहती है, मैं तेरा खून पी लूंगा। ठहर तो सही तू, मैं तुझे बताती हूँ। अभी सलाम अलैकुम। सुनो तो शेर खान, वो मुझको मार डालेगी। वो तुमको बाद में मारेगा, हम तुमको अभी मार देगा। अरे तुम मर्दों की औरत से तुम डरते हैं? ये तुम धोती है ना, इसको बदल डालो और कल से साड़ी पहनकर घूंघट निकाल के इधर पीड़ा करो। शेर खान ये बात नहीं है, हम भी सच्चा मर्द है। मर्द है तो फिर क्या हो गया तुमको? तुम अकेला उस औरत को काबू में नहीं कर सकते, हमारे लोग का मदद किसके लिए मांगते हो? ये बात है, ये बात है शेर खान, तो देख लेना, देख लेना। निकल बाहर। अरे बाहर निकल, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मोहल्ले वालों देख लो, आज मर्द किसे कहते हैं, आज तो मैं इसका खून पी जाऊंगा। या ये रहेगी या मैं रहूंगा, आज वो हल्दी घाटी हो जाएगी। हल्दी घाटी क्या बच्चे? अरे अरे ओ शेर खान भाई, ओ शेर खान, अरे दादा। होता है कुछ नहीं मैम दीदी, वो एक छोटा सा चूहा है ना, चूहा हाथी के साथ झगड़ा करता है। चूहा हाथी के साथ झगड़ा करता है? अरे नहीं मैम दीदी, ये रणछोड़ और उसकी बीवी शांति का रोज का झगड़ा है। नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं। जिंदगी में तो प्यार मोहब्बत करने का टाइम मिलता नहीं है, ये लोग झगड़ा करने को किधर से टाइम निकाल लेते हैं। वाह, खुदा का कसम मैम दीदी, 1,55,000 रुपए का बात किया तुमने। शेरा, ये 55,000 कितना होता है? 55,000? हाँ। या तुमको आजाद हवा बोल के हमको हिसाब नहीं आते? 100 में कुछ कम क्यों होता है और क्या होता है? बहादुर सिंह जी, अभी तुम लोग इधर ही बैठा है ना? मैम दीदी मैं तो बाहर जाऊंगा, कुछ काम होगा तो बोलो। नहीं, आम को थोड़ा बाहर जाने को मांगता था, ये सब इधर रखा है, कब्बा लोग लेकर जाएगा तो। ओ मैम दीदी तुम फिक्र मत कर जाओ, हम इधर बैठा है, हमारा हुक्म के बगैर कौवा इधर पर नहीं मार सकता, और कभी वो जालिम का बच्चा आ जाएगा, हम उसका 32 का 32 दांत तोड़ जाएगा। शेरा मैं जाता हूँ। अच्छा, तू अकेला कौवे से मुकाबला कर सकेगा? आओ बिल्कुल कर लेगा। ये बहादुर का बच्चा तुम, हमको क्या समझता, पठान का बच्चा तुम्हारा? तुम सुना नहीं मैम दीदी क्या बोला? क्या बोला? यार के लिए टाइम नहीं, तुम झगड़ा करता है। अच्छा अच्छा, अभी समझाओ, जाओ जाओ तुम जाओ, तुम फिक्र मत करो, जाओ। अभी हम कौवा से मोहब्बत कर जाएगा। रामू इधर आके जाओ,
हमारा मेम दीदी जो है ना, हाँ? वो अकेला औरत है, हैं? उसको इतना बड़ी किसके वास्ते मांगते हैं? तुमको मालूम नहीं शेर खान? नहीं। मेम दीदी बड़ी बनाकर बाजार में बेचती है। हाँ, बड़ी बेचती है, अचार बनाकर बेचती है, कपड़े सी कर बेचती है, उसके पास इतना पैसा है, शेर खान बड़ा मक्खी चूस है। रामू भैया, हाँ? तुम्हारा गर्दन के ऊपर क्या है? क्या है? तुमको बताते बच्चा, अगर तुम मेम दीदी के वास्ते एक लफ्ज बुरा बोल दिया ना, ये हम तुम्हारा गर्दन बिल्कुल साफ कर देगा। मेम दीदी, ओ मेम दीदी, ये रामू के सिर में इतना मोटा मोटा झूम पड़ गया, वो हम निकालते हैं। ये मिल गया। तो तुम्हारे कुल हुए हैं 250 रुपये। 250 रुपये? पैसा कल आकर ले जाना। अच्छा, कल जरूर दे देना, हमको अपनी बेटी को भेजना है। हाँ हाँ, कल मिल जाएगा। ये जो नया कपड़ा सीना है, समझ लिया है ना इसे क्या करना है? हाँ। 4-5 दिन में इसे बनाकर दे जाना। मेम दीदी, इतनी रात तक क्या कर रही हो? आओ आओ बहादुर सिंह, शेर खान आओ आओ, तुम लोग बाहर से क्या बात करता है? अरे मेम दीदी, सारी दुनिया सो रही है, तुम अभी तक जाग रही हो। हम भी सो जाएंगे तो काम कौन करेगा, बेटी को पैसा कौन भेजेगा? सुना तुम बहादुर? वो तो ठीक है मेम दीदी, इतनी रात तक काम करोगी तो बीमार हो जाओगी, सो जाओ सो जाओ। इतना खल्लास करेगा पीछे सो जाएगा, पर तुम लोग क्या करते हैं अभी तक? मेम दीदी, हमको पेट बहुत गुड़गुड़ करता है, भूख लगा, हम खाना खाने जाते हैं। मेम दीदी, तुमने खाना खाया? अभी खाएंगा, उदय को लगता है। मेम दीदी, खाना? खुदा कसम आज हम तुम्हारे साथ खाना खाएगा। बिस्मिल्लाह का उल्लू की तुम, उधर से जो दावत मिली वहां तेरा चाचा खाएगा। दावत? हाँ दावत 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 ओ हाँ, वो मुर्गी पुलाव दाल, मेरे मतलब गोश्त, वो दावत ना। चल चल चल, अच्छा मेम दीदी हम चलते। अच्छा अच्छा, तुम मुर्गी पुलाव खाएगा, हमको याद करो। हाँ मेम दीदी, याद करेगा तुमको। सलाम अलैकुम। सलाम सलाम। अरे पगला, शर्ट इधर में छोड़ दिया, तो सब फट गया है। अच्छा लाओ भाई, खाना लाओ। हो लाने का जान, खाना लेके आप, बहुत भूख लग गया है। खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा क्या? क्यों? देखते नहीं 11 बज गए, 11 बजे के बाद खाना देने का हुक्म नहीं है। ए बहादुर, ये हमारे हुक्म के बगैर 11 कैसे बज गए? अरे भाई क्या करता है, क्या करता है? अभी कितना बज गया? 10:30। नहीं नहीं नहीं, 9:30। अभी खाना मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। अरे छोकरा, मेरा मुंह क्या देखता है, साहब लोगों को खाना लगा? अभी तो दिन है, आप बैठिए साहब, खाना जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। खाना लो।
शेरा मेरी कमीज कहाँ है? तुम्हारा कमीज इधर तुम मेम दीदी के घर में तो नहीं भूल के आया? हाँ हाँ वही होगा, लौटो ले लें। अच्छा लाओ लगाओ। मेम दीदी हमारी कमीज ये है। ये क्या मेम दीदी, तुमने कहा था थोड़ा सा काम करकर सो जाओगी, अभी तक काम कर रही हूँ। अभी खाली दो तीन बाकी है बस। दो तीन वो तीन कुछ नहीं, ये इधर रखो तुम आराम से सो। अच्छा अच्छा हम सो जाता है बाबा, पर तुम भी तो सो जाओ। जा, जा। अच्छा मेम दीदी तुम सो जाओ, हम सो जाएंगा। सलाम सलाम बाबा सलाम। शेरा जल्दी कर। हम क्या रहे, हम क्या? अरे ये क्या हुआ? क्या है? ये पैकेट फटा हुआ था, किसने सिया? ए बहादुर, ये कभी तुम मेम दीदी के पास भूल आया था ना, उसने सी दिया इसको। वाह वाह कितना अच्छा सिया, जवाब नहीं मेम दीदी। चल शेरा जल्दी कर, चलो। बहादुर तुम चलो, हम अभी आते हैं। इस रमीन दीदी को मैं क्या कहूं। अमीन दीदी सलाम अलैकुम। सलाम सलाम, क्या बात है शेर खान? कुछ नहीं मैम दीदी, बहुत दिन से मिला नहीं था, हम बोला जाके मिल के आएंगा तुमको। बहुत दिन से हमको मिला नहीं? अरे तुम लोग तो कल रात इधर आया। हम कल रात आया था? हाँ। हमको बिल्कुल याद नहीं। क्या बात है शेर खान? कुछ नहीं मैम दीदी। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। एकदम बच्चा का माफी। सलाम भैया। आओ आओ मैम साहब। अमृत मैम साहब को 250 रुपया दे दो। कल जो हम कपड़ा लेकर गया था वो भी सी कर लाया है। क्या कह रही हो, क्या सारी रात काम करती रही? पैसे का बहुत जरूरत है, इसका भी पैसा आज दे देगा बहुत मेहरबानी होएगी। हाँ हाँ जाओ, मैं हिसाब देखकर बताता हूँ। अमृत मैम साहब को 30 रुपया और दे दो। कुल 280 रुपया ना? हाँ 100, 200, 10, 20 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। 10 रुपया 290 रुपया हो गया। हमको और 10 रुपया मांगता है, अचार बड़ी लाया है थोड़ा ले। अरे बाबा कह दिया ना, ये पहले ही का सब माल पड़ा है, और लेकर क्या करूँगा? बड़ी तो बहुत कमती है, 5 चार ले लो। कह दिया ना जरूरत नहीं है। सस्ता देगा बाबा। कितना सस्ता? 2 रुपए से दोगी? 2 रुपए से? तुमको मालूम है बाजार में काले दाल 1 रुपया से मिलता है। तब हमको नहीं चाहिए। अच्छा ले 2 रुपया सेव देंगे, आज हमको 300 रुपया जरूरी मांगता है। लो ये 10 रुपये। क्यों भाई बड़ी क्या भाव है? 5 रुपये से एक आधा सेव दो। डबल
मेम साहब वो क्या गिरा पे देखो करो इस बार होली 5 दिन मनाएंगे हाँ बराबर है 5 दिन तक खाना पीना चलेगा और रामू तुमको सबसे चंदा वसूल करने का है सबसे तो मैं चंदा वसूल कर लूंगा शेरखान भैया लेकिन मेम दीदी के पास मैं नहीं जाऊंगा क्यों क्या फायदा वो बुढ़िया तक रुपया नहीं देने वाली बद का बच्चा होगा फिर तुम मेम दीदी के लिए कुछ बोला तुमको शेरखान नाराज क्यों होते हो हाँ शेरखान भाई नाराज काहे को होते हो ये कहता है मेम दीदी चंदा नहीं देगी तो तुम लाकर दिखा दो ओहो मैं भी लेकर आते चलो बहादुर मेम दीदी से चंदा लेकर आएगा चलो और खुदा का कसम वापसी में हम तुम्हारा गिच्ची को देगा बस बस चल अब क्या होगा गिरधरी भैया क्या होगा अगर मेम दीदी ने चंदा दे दिया तो मेम दीदी आ शेर खान आ सलाम अलैकुम मेम दीदी तुम क्या करते हैं कुछ नहीं आ आ हम तुम्हारा शर्ट बनाए खुदा का कसम एकदम दर्जी के माफिक सिए तुम इसको हैं हमारा कपड़ा भी मैला हो गया था हम पतली करेगा इसको मेम दीदी हमारा माला वाला लोग है ना वो होली का त्योहार मनाना मांगते हैं अच्छा। उसके लिए हमको तुमसे 10 रुपया चंदा मांगते हैं 10 रुपया अरे तुम तो ऐसे चौंकी जैसे कभी तुमने 10 रुपये देखे नहीं है मेम दीदी तुम तो ऐसा घबरा गए जैसे हम 10 रुपया तुमसे नहीं मांगते तुम्हारा जान मांगते अच्छा बाबा तुम 5 रुपया दे दो हमको देगा शेर खान पीछो देगा पीछो नहीं अभी मांगते इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है अच्छा बाबा 5 रुपया नहीं तुम हमको खाली 2 रुपया दे दो हम बोला ना हमारे पास इस वक्त पैसा नहीं है देखो मेम दीदी ये तुम्हारा भाई का इज्जत का सवाल है दो तुम छोड़ो हमको तुम 1 रुपया खाली दे दो काय को हमको गाड़ी गाड़ी तंग करता है ये बकत हमारे पास एक डमड़ी भी नहीं है ठीक है ये माले वाला जो तुमको मक्की चूस बोलता था ठीक बोलता तुम बड़ी बना के बेचता है तुम कपड़ा सी के बेचता है तुम अचार बना के बेचता है और तुम अपने भाई के लिए 1 रुपया नहीं दे सकता है तुम झूठ बोलता है नहीं हम झूठ नहीं बोलते हम झूठ नहीं बोलते मेम दीदी तुम रोते क्या बात है तुम ऐसा रोने वाला औरत नहीं तुमको हमारा जान का कसम बोलो क्या बात शेर खान हमारा आज महीना भर का खून पसीने का कमाई 300 रुपया चला गया किस तरह हम बेटी को मनी ऑर्डर करने के वास्ते जाता था पोस्ट ऑफिस के सामने कोई बदमाश हमारा बैग छीन कर भाग गया पोस्ट ऑफिस के सामने शेरा जग्गू का काम वो बदमाश के बच्चे का इतना हिम्मत कि मेम दीदी का रुपया लेके चला गया हम उसका गर्दन खुदा का कसम मरोड़ डालेगा शेर खान मेम दीदी तुम फिक्र मत करो तुम्हारा बैग मिल जाएगा बहादुर सिंह तुम लोग किधर जाता है तुम हमारा कसम खाओ तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा किसी का साथ मारपीट नहीं करेगा बोलो वादा करता हूँ मेम दीदी मैं नहीं हाथ उठाऊंगा कौन है बे तुम्हारा बाप
बूढ़ा मेम साहब का बटवा किधर है? कैसा बटवा? किधर है मेम साहब का बटवा? मेम साहब का बटवा किधर है? जगू का बच्चा बोलो जगो, मेम साहब का रुपया किधर है? हम बोलते हैं मेम साहब का रुपया किधर है? मेम साहब का बटवा किधर है? देखो जगो, खुदा का कसम हम तुम्हारा बदमाशी से बहुत तंग आ गए। ये रुपया अगर तुम हमको नहीं देता था ना, तो हम तुमको जान से मार डालता था। अभी भी हम तुमको बोलते कि अगर हमारे माल्य के अंदर तुमने पांव रखा ना, खुदा का कसम ये दोनों टांग तुम्हारा तोड़ डालेगा। सुनो, बैठो, उठो, बैठो, उठो, बैठो। तुम ठीक है? बिल्कुल ठीक, हमने तो हाथ भी नहीं उठाया। देखो हम जाते हैं, 5 मिनट तक बैठक मारते रहो। बैठो। मीम दीदी, मीम दीदी, ये तुम्हारा बटवा और ये तुम्हारा 500 रुपया। 500 रुपया? हमारा तो खाली 300 रुपया है। वो तुम फिक्र मत कर जाओ, ये पब्लिक रोड का रुपया है, तुम खर्च करो इसको। नहीं नहीं, ये 200 रुपया हम नहीं रखेगा, जिसका है उसको वापस दो, नहीं तो पुलिस थाना में जमा करो। बहादुर सिंह, शेर खान, तुमको नहीं मालूम तुम आज हमको कितना मदद किया। हम बेटी को लिखेगा ये पैसा हम नहीं भेजा, उसका मामा भेजा है। मामा? हाँ मेम दीदी, उसको लिखो कि उसके यहाँ 2 मामा हैं। हाँ हाँ, हम भी लिखो, उसका 2 मामा लोग हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उसको। हम जरूर लिखेंगे। अच्छा मेम दीदी, हम चलते हैं। ये तुम्हारा शहर। बहुत मेहरबानी तुम्हारा। सलाम अलैकुम मेम दीदी। सलाम भाई, सलाम। ओ जीसस, तुम कितना मेहरबान, दुनिया में आए सब भाई सबको।
एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया, कल तुम्हारे लिए मैं मरते मरते बच गया। बच क्यों गए? मेरा मतलब है कैसे बच गए, क्या हुआ था? अरे होना क्या था, मैं गैराज में से गाड़ी निकाल रहा था, एकदम जैसे आसमान से किसी बला की तरह पिताजी चले आए और कहने लगे, ए दलीप के बच्चे ये क्या है? बाप रे, ये तो मेरी लिपस्टिक है, कल तुम्हारी गाड़ी में भूल आई थी। हाँ, उन्होंने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा जी कारतूस। कहने लगे कारतूस? मैंने कहा जी हाँ, वो शंकर था ना मेरे साथ, उसे बंदूक और शूटिंग का बहुत शौक। फिर उन्होंने कहा कि बेटा जब तक मैं लाइसेंस ना दूं तो इन कारतूस और बंदूकों से दूरी रहा करो। ठीक है, तो तुम मुझसे दूरी रहा। अरे रे सुनो तो, तुम्हें मालूम है उसके बाद मैंने क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा, तुमने कहा? हाँ मन में। तुम कितने बहादुर हो, ऐसी तो नहीं मोहब्बत की थी मैंने। याद है मैंने तुमसे कब प्यार करना शुरू किया? अब जब तुम बॉक्सिंग में फर्स्ट आए। अभी नहीं याद, तुमने एक राइट दी। अरे अरे लगा तो नहीं? नहीं नहीं कुछ खास नहीं। अच्छा दिलीप, ये तो बताओ तुम मुझे कब से प्यार करने लगी? जब से तुम्हें देखा। रीता, लड़कों को प्यार करने के लिए बॉक्सिंग और जिमनास्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी खूबसूरत थी तुम्हारी आंखें। थी? अरे अरे मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें पहली बार देखा, एकदम हिरनी की सी आंखें। झूठ? मैं सच कह रहा हूँ रीता, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। ये भी झूठ, मुझसे तो सलमा के होंठ अच्छे हैं। अरे क्या बात कर रही हो, सलमा तो तुम्हारी जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकती, कहाँ तुम और कहाँ वो। इसका मतलब है कि तुमने सलमा को देखा है? हाँ देखा है। क्यों देखा है? मुझसे प्यार करते हो सलमा को देखते हो? क्या मतलब, मैं आंखें बंद कर लूं, अंधा हो जाऊं? हाँ अंधे हो जाओ, अब मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो ये देखो। ओके रीता बाय बाय। अरे दिलीप, दिलीप तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ रीता, तुम कहो तो फरहाद की तरह पहाड़ काट कर नहर चला दूं, मजनू की तरह सहारा की रेत का जर्रा जर्रा छान मारूं, और समुद्र की तह से मोती निकाल के। मुझे इतना प्यार करते हो, कल फिर इसी वक्त आओगे ना? हाँ बारिश ना हुई तो जरूर आऊंगा। चलो मेम दीदी बहुत बीमार है। मैं भी नहीं आ सकता, देखते नहीं लोग बैठे हुए हैं। ओ बैठने दो, ये लोग तो सब जिंदा है, मेम दीदी मर जाएगा। तो ये जिंदा तो छोड़ के मैं मुर्दे के पीछे भागू, मैं नहीं आ सकता। अभी 8:30 बजे, मैं 10:30 बजे पहले नहीं जा सकता। 10:30 से पहले नहीं जा सकता? नहीं, 10:30 बजे से पहले नहीं, नहीं मैं 9:30 बजे भी चल सकता हूँ। 9:30 बजे ऐसी कोई बात नहीं, मैं 8:30 बजे भी चल सकता हूँ। चलो 8:30 बज गया, चलो चलो जल्दी करो। ये क्या डॉक्टर साहब, हम लोगों की जान नहीं है? मेरी जान? देखो सर्दी जम गई है, दवाई लिख दी है, हर 2 घंटे के बाद एक गोली दे देना। चलो दवाई खरीद ले। और एक गोली दे दो, दादा से जरा पूछ ले,
दादा हाँ? और एक गोली दे दो। दो घंटे हो गए बिटिया। जी हाँ दे दे। शेरा मेरे ख्याल में मेम दीदी की बिटिया को चिट्ठी लिख देनी चाहिए। कैसे लिखेगा बादर, मेम दीदी दो दिन से बेहोश है और पता भी तो नहीं है हमारे पास। मेम दीदी के कमरे में मुझे एक लिफाफा मिला, उस पे पता लिखा हुआ है। हम समझते हैं, लिख देना मंत्री। दादा सेठन भैया तुम लोग जाओ और सो जाओ, दो दिन से ऐसे ही बैठे हो। तुम हमारा फिक्र मत कर जाओ बहन, मेम दीदी का बुखार कैसा है अभी? बुखार तो बहुत तेज है, सर पे बर्फ लगना चाहिए। बर्फ मैं लाता हूं। देखो बादर, वो डॉक्टर का बच्चा जितना छोटा है ना उतना जमीन के अंदर है, तुमको मालूम है वो जरूर उसको कुछ गंदा दवाई देता है। खुदा का कसम अगर कल तक मेम दीदी का बुखार नहीं उतर गया ना तो हम उसका चमड़ी दर से पकड़ कर नीचे तक उतार डालेगा। ये क्या बात है डॉक्टर साहब, 3 दिन हुए मेम दीदी अभी तक अच्छी नहीं थी। तो मैं क्या करूं, मैं तो दवाई दे रहा हूं। ओ जी हम कुछ नहीं जानता है डॉक्टर साहब, खुदा का कसम मेम दीदी को ठीक कर दो नहीं तो हम तुमको ठीक कर देगा। अरे मेरा क्या है, लो मैं इंजेक्शन ले देता हूँ लेकिन महंगे पड़ेंगे, 50 रुपए दाम है इसके। ठीक है हम ले आएंगे, अगर इससे भी मेम दीदी ठीक नहीं हुई तो हम तुम्हारी सब दवाई की शीशी उठाकर बाहर फेंक देंगे। और तुमको भी इंसाफ, ये दवाई शाम को आ जाएगा और तुम अपने आप उधर पहुंच जाना, खुदा कसम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होएगा। डॉक्टर साहब हम बाहर जाते हैं उसके बाद में सुई दे। हाँ हाँ जल्दी। और सुनो, अगर सुई के बाद में मेम दीदी ने चीख निकाला ना तो खुदा का कसम बार हम तुम्हारा चीख निकाले। क्या सोचता है तू? कुछ नहीं बादर, जब हम लोग खुदा को भूल जाते हैं ना तो वो हमको तकलीफ देगा। हम कल सुबह नमाज पढ़ेगा, खुदा से मेम दीदी के लिए दुआ मांगेगा। तो ठीक कहता, मैं भी मंदिर में जाकर मेम दीदी के लिए भगवान पर फूल चढ़ाऊंगा, हमारा जरूर सुनेगा। बस, और नहीं पीने को देते। वो चीज तुमको पीना पड़ेगा वरना ये दूध हम पी जाएगा। तू कैसे पिएगा? मेम दीदी अगर तुम दूध नहीं पियोगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। हाँ खुदा की कसम भूख हड़ताल करेगा, खाना पीना सब बंद करेगा। अरे नहीं बाबा नहीं, हम पीते हैं। पियो पियो, 1 2 3 शाबाश। आपको बच्चे समझता है तुम लोग। दादा अब तुम लोग जाओ, खाना खा के सो जाना। मेम दीदी तुम ही बोले ना उनसे। मतलब क्या? जब से तुम बीमार हुई हो रात दिन यही बैठे हैं, 3 दिन हुए हैं ना खाना खाया है ना सोया है। क्यों? खाना क्यों नहीं खाया, सोया क्यों नहीं? तुम जो बुखार से बेहोश पड़ी थी मेम दीदी, तुमने हमको डरा दिया था मेम दीदी। हमारे पास इस बुड्ढी का वास्ते, तुम 3 दिन से खाना नहीं खा, सोया नहीं, क्यों? हम मर भी जाता दुनिया का क्या नुकसान होता। देखो मेम दीदी, हम तुमको कितनी दफा बोला है कि हम खून का दरिया देख सकते हैं मगर औरत का आंसू हम नहीं देख सकते। खुदा के लिए ये आंसू पूछ डालो, पूछ डालो, पूछो। कार वाला
मीम दीदी, तुम्हारे नाम का तार आया है। कौन चिट्ठी लिखा हमारा बेटी को? वो बेटी को चिट्ठी मिल गया बहादुर, तुम्हारा पता बिल्कुल बराबर था। क्या बात करती हो मेम दीदी, तुम इस मकान में रह सकती हो, तुम्हारी बेटी नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? नहीं, क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है। देखो मेम दीदी। क्या अब हम तुमको क्या बताएगा कि तुम लोग क्या किया? वो बहुत अमीर माँ बाप का बेटी, छोटा बच्चा था, हम उसका घर में आया का काम करता था, फिर उसका माँ बाप चला गया, साथ सब जायदाद भी चला गया, पर हम हमेशा उसको यही बताया, तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा वास्ते हमारा पास बहुत पैसा छोड़ कर गया, दिन रात काम करता, तब उसका वास्ते स्कूल का खर्चा नहीं, ये बात हम कैसा छुपा कर रखा था, तुम लोग एक चिट्ठी में सब पर बात कर दिया। हमको क्या मालूम मेम दीदी? ओ मेम दीदी, हमको भी मालूम होता ना तो खुदा की कसम तमाम जिंदगी उसको खत नहीं लिखता। अच्छा, अब जो हो गया हो गया, अब वो आएगा उसको कुछ नहीं बताना। हम नहीं बताएंगे मेम। वो मेम दीदी हमारा सीना पट जाएगा ना तो भी हम उसको एक बात नहीं कर जाएगा। अरे बाप रे शेर खान, बहादुर सिंह वो तो 3 बजे आता है। वो तो इसमें घबराने का क्या बात है मेम दीदी, हम लॉरी लेके जाएगा अभी उसको लेकर आते हैं। चलो बाबा, तुम लोग कैसे ले, तुम लोग उसको कैसे पहचानेगा? ओ यार, हम भी कितना बेवकूफ है, तुम उसका शक्ल तो बताओ हमको कैसा लगता है? एकदम गोरा गोरा रंग है, काला काला बाल है, इतना बड़ा बड़ा आंखी है। हाँ हम बिल्कुल समझ गया, मोटा मोटा आंखी है, सफेद बाल है, काला रंग है। बादल अभी हम लेकर आते हैं उसको, चलो। ओह गॉड, हम क्या करूं? अरे सुनो, यहाँ रोजी आया कहाँ रहती है? रोजी? ओ मेम दीदी, ये सामने वाले खोली में। आ गया बेटा, तुम घर ढूंढने में तुमको कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ? तकलीफ क्यों नहीं हुई, ये कहाँ घर ले लिया है, बंगला क्यों छोड़ दिया? बंगला और किराए पर दे दिया बंगला। क्यों? पैसा मांगता है ना। अभी तुम्हारा शादी बनाएगा? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, चलो वापस अपने पुराने बंगले में। ये कैसी गंदी जगह है। अरे बाबा, तुम चला गया पीछे इतना बड़ा बंगला में, हम अकेला कैसे रहने को सकता, हमको उधर देखने के वास्ते कोई मांगता है ना, इधर में हमारा भाई लोग है। अरे स्टेशन के ऊपर तुमको लेने के वास्ते कोई नहीं आया? नहीं तो। अच्छा अच्छा, अभी तुम रेस्ट करो, हम तुमको खाने के वास्ते कुछ लाता है। ओए, ये चोकरी तो इधर बैठा है। ओए बेबी, ओए तुम आ गया, कब आए तुम? और रीटा बेबी, ओए क्या हो गया, दो गुंडे? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा भाई लोग है। हाँ, हम तुम्हारे मामा है। कुछ हम तुम्हारा सगा मामा है। शेर खान, ये तुम्हारा मुखों पर क्या हो गया? ओह मेम दीदी, ये हमसे मत पूछो तुम। अरे मेम दीदी, तुमने बताया था ना रीटा का गोरा गोरा रंग है, काले काले बाल है। स्टेशन पर जाके शेरा भूल गया और ऐसी औरत को जाके पकड़ा जिसका काला काला रंग था, गोरे गोरे बाल थे। फिर क्या हो गया? किसी को पूछो। क्या हो गया बाबा? मैम दीदी, हमको शर्म आती है, इसको पूछो बाबा। बोलो बाबा। कुछ नहीं हुआ, उसने सिर्फ एक जूता उठा के मार दिया और क्या हुआ। देखो बेटा, तुम्हारे वास्ते तुम्हारा मामा लोग कितना तकलीफ उठाया। I'm sorry uncle,
I'm very, very sorry. ये अंग्रेजी में क्या बोलते? हमको भी नहीं मालूम. मेम दीदी, तुमको तुम्हारा बेटी मिल गया ना? मिल गया. बहुत दिन के बाद हमको हमारा आँख ही मिल गया. मेम दीदी, वो ये तुम्हारा आँख ही और हम लोग कुछ नहीं है. नहीं बाबा, तुम लोग तो मेरा दो बाजू है. एक आवाज क्या बोलते मेम दीदी? ठीक है, ठीक है. करो, शेर खान लॉरी लाने गया है. अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जरा ये बेडिंग बांध देना, मैं अभी आया. अच्छा सुनो आया.
कमिंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, क्या बात है? तुम्हारा 3 महीने का स्कूल फीस नहीं आया? मालूम है तुम्हारा नाम कट सकता? जी, मैं भी घर चिट्ठी लिखती हूँ। यू कैन गो नाउ। ओ मेम दीदी, क्या हुआ मेम दीदी, तुम रो रही हो? कुछ नहीं, ये देखो हम रीटा का 3 महीने का पैसा नहीं भेजा, उसका स्कूल से डांटे का चिट्ठी आया। फिर हम भी सच्चा लिख दिया, कितना दिन झूठ बोलेगा बहादुर से, हम सच्चा लिख दिया। उसका इतना पैसा पड़ा है, झूठ बंगला है, झूठ हम है, झूठ। नेम दीदी, तुम पैसे नहीं लिखने का था? नहीं शेरखान, अब हम झूठ नहीं बोलेगा, अभी हमको खुदा का पास जाने का है, हम इतना खर्चा नहीं उठाने को सकते। ओ, हम खर्चा उठाएगा, हम अपना टोपी बेचेगा, अंगूठी बेचेगा, हम अपना लॉरी बेच देगा। नहीं शेरखान, तुमको अपना बहन का कसम है, अभी हमारा बेटे कब सच सब जानने को मांगता है, उसको दुनिया का सामना करने को मांगता है। भैया ये चिट्ठी पोस्ट कर दे, हम बोला ना, शेरा ये चिट्ठी पोस्ट नहीं करेंगे। क्यों? ये मेम दीदी की 15 साल की दौड़ धूप, दिन रात की मेहनत, खून पसीना आंसू, सब ये 5 पैसे के कार्ड में खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चिट्ठी पोस्ट नहीं करेंगे और रीटा की चिट्ठी मेम दीदी के हाथ में पढ़ने नहीं देंगे। शेरा तू इसे रख, बाद में देखा जाए। तुम्हारा मतलब है ये चिट्ठी छुपाएगा? मेम दीदी ये क्या कर रही हो? वो खुतुम को डॉक्टर ने मना नहीं किया, 4 पैसे नहीं उठने गए। हम आज शिमला जाएगा। शिमला? शिमला? देखो ना, हम बेटा को कितना चिट्ठी लिखा, 15 दिन हो गए, एक कभी जवाब हमको नहीं मिला। हम समझते वो जरूर बीमार है, हम उसको लेकर आएंगे। अरे मेम दीदी, हम दोनों के होते हुए तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? आज शाम को हम दोनों शिमला चले जाएंगे। नहीं भाई लोग, तुम का काम है। और तुम हमारे काम का फिक्र मत करो, तुम अपना जान का फिक्र करो, हम शिमला जाकर ही चकुली कराते हैं अभी। अच्छा, एक बात करो, तुम रीटा को उधर में कुछ नहीं बताना, काली इधर में लेकर आओ बस। अच्छी बात, तुम अभी आराम से इधर ले जाओ, हम रीटा को लेकर अभी आते। सो जाओ इधर। अच्छा, 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 रीटा को अच्छा रखो। आ गया। इतने जल्दी शिमला आ गया? शिमला नहीं, आईडिया आ गया। क्या आईडिया आया? शेरा, वो मेम दीदी की लड़की है ना रीटा, उसकी किताब में हमने एक लड़के का फोटो देखा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका दोस्त होएगा कॉलेज का, उससे मोहब्बत करता होएगा। अगर मोहब्बत करता होगा तो इसका मतलब है उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। आए, आए। अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो
तो मेम दीदी की तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हाँ यार, ये तो हम सोचा ही नहीं था। हाँ, लेकिन उस लड़के का पता कैसे लगाएंगे? वो को लड़के का क्या है, हम उसके बाप का भी पता लगा लेगा। हाँ, बाप का पता लगाएगा। सो जा, सो जा। शेरा, ये ले, तू यहीं ठहर, मैं पता लगा के आता हूँ। ओ भाई, ये हम इधर रख देगा। हाँ रखो रखो, हम अभी आते हैं। क्या कहा तुमने? हम बोला ये क्या बदतमीजी है? ए मिस्टर, जबान संभाल के बात करो। अगर ऐसा कहा तो तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। ए चूहा, खुदा के कसम, एक दफा तुम मुंह से ऐसा बात और बोला, हम तुम्हारा कीमा बना देगा। ओ शरार, क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? ये बात है तो आ मैदान में। कुछ तुम हमारा नाम नहीं जानता, जो इसका फोटो देखा। यो, अब क्या हुआ? आ जाओ मैदान में। जा रहा है तू? हाँ तो तुम फिक्र मत। शेरा, गिरा दिल गिर मशा, उस सरख्वा दिवे बली। शेरा गाना बंद कर। उस सरख्वा दिवे बली, मैं कहता हूँ गाना बंद करे तो अब मैं मारूंगा तुझे। रागिरा दिल गिर मशा, उस सरख्वा गा। शेरा, बड़ी अच्छी खबर मिली। वो खुद ही तुम रीटा से मिल गया? नहीं, रीटा से नहीं मिला। वो यार, तुम तीन दिन से हम कोई सुजरे में बिताया हुआ है और अभी तक तुम रीटा से नहीं मिल गए? मैं जानबूझकर नहीं मिला रीटा से, लेकिन दिलीप के बारे में पता चल गया। चले, वो बहुत बड़े घर का लड़का है, BA, मैट्रिक, IAS सब इम्तिहान पास कर चुका है और रीटा से मोहब्बत भी करता है। तो फिर यार, उसका शादी करा दो ना जल्दी दोनों का। उसका बाप बड़ा पैसे का लालची है। वो क्या हो गया? हम उसके बाप के साथ रीटा का थोड़ा शादी करते हैं, उसका लड़का का और रीटा की शादी करते हैं। अरे बाप नहीं मानेगा तो शादी कैसे हो? ये बात भी। वो हमको एक बात याद आ गया, क्या करेगा बहादुर? उसका बाप है ना, उसके दोनों टांग तोड़ डालेगा। बस बस बस, और चलता दिमाग तेरा, टांग तोड़ डाले। एक आइडिया आया। आगे आइडिया? हाँ, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। अच्छा, आ मेरे साथ चलो। हाँ जल्दी आइए आइए।
आप लोग बैठिए, मैं साहब को खबर देता हूँ। बहुत अच्छा, बैठ जल्दी बैठ। देख शेरा, तू एक बहुत रईस आदमी है, नौकर चाकर महल, तू करोड़पति है, करोड़ करोड़ पति 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 नहीं कमीने करोड़पति, पर तूने मुंह खोला तो सब भांडा फूट जाएगा, इसलिए तू गुंगा भी है और बहरा भी है, समझा? हम अंधा भी बन जाता है। अंधा नहीं पाजी, तुम देख सब कुछ सकते हो, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, और देख अगर कोई खाने पीने की चीज आ जाए तो इतना सा खाना, समझा? इतना सा? हाँ, तो रईस है। उठ उठ, साहब आ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप हैं सेठ घनश्याम दास और दास इनका सेक्रेटरी। बदकिस्मती से सेठ जी ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। अगर सुन नहीं सकते तो आपकी बात पर सर कैसे हिलाते? ये तो इनकी पुरानी आदत है, मस्त जो ठहरे। बैठिए। शुक्रिया। कहिए कैसे आना हुआ? बात ये है, आपका लड़का है ना दिलीप, बड़ा अच्छा लड़का है, और इनकी बहन की लड़की रीता, वो भी बड़ी अच्छी लड़की है, लड़का भी अच्छा लड़की भी अच्छी। सेठ जी का ख्याल है कि अगर आप इनकी बहन की लड़की का रिश्ता मंजूर कर लें तो। बात यह है सेक्रेटरी साहब, मेरे लड़के का रिश्ते पे रिश्ता ऐसा पड़ रहा है जैसे बरसात में आम गिरते हैं। कोई अमेरिकन मोटर गाड़ी ऑफर कर रहा है, कोई 50,000 रुपया दे रहा है। आप रुपयों की बात कर रहे हैं? अजी साहब, रुपया तो सेठ के हाथ का मैल है, 50,000 तो क्या, यहाँ तो लाखों का चक्कर है। अरे उल्लू देख क्या रहा है, मेहमान आए हैं, कोई शरबत पानी का बंदोबस्त करो। कहिए आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी बंबई से। सेठ जी वहां के बड़े मशहूर जौहरी हैं, हीरे बनने का व्यापार करते हैं। खूब खूब। और इनकी बहन? वो तो बेचारी विधवा है, इसीलिए इन्हीं के पास रहती है। सेठ जी भी विधवा हैं, मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं मर्द विधवा को, क्या कहते हैं? रंडुआ। जी हाँ जी हाँ, रंडवा ही है। देखते नहीं इनके शक्ल से जाहिर है, कोई बाल बच्चा नहीं। इनकी बहन की जायदाद भी कुल मिलाकर कुछ 10-12 लाख रुपए की होगी। 10-12 लाख? जी हाँ, 10-12 लाख। जी हाँ, वो भी आप ही की होगी। सेठ जी, आपकी जायदाद 20 लाख की तो होगी? नहीं, मेरा ख्याल है सेठ जी समझे नहीं ठीक तरह। सेठ जी, आपकी जायदाद 20 लाख की तो होगी? ये लीजिए, 30 लाख की है। 30 लाख? अब वो भी आप ही की हो जाए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। हमें भी मंजूर है। मैंने तो शर्त बताई नहीं। मुझे ये रिश्ता इस शर्त पर मंजूर है कि मेरे बेटे की शादी होने के बाद सेठ जी अपनी शादी कभी नहीं करेंगे। अजी आप इस बुढ़ापे में क्या शादी करेंगे। मिठाई लीजिए ना। जी। अरे ये क्या, ठीक से खाइए ना। अजी सेठ जी सिर्फ हवा खाते हैं, रईस आदमी ठहरे, इतना सा खाने के बाद भी शायद चूरन खाना पड़े। खैर अब एक बार लड़की देख लीजिए। आप मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? जब लड़की के मामा को देख लिया तो लड़की को क्या देखना है। आप पक्का कर लीजिए, 8 अगस्त बड़ा शुभ दिन है। 8? अजी 15 अगस्त रखिए, उस दिन देश भी स्वतंत्र हो गया था, आप भी हो जाइए। अच्छा जी नमस्ते। अरे पता तो दे दीजिए। हाँ हाँ लिख लीजिए, सेठ घनश्याम दास, घनश्याम पैलेस। पैलेस? जी हाँ, नागपाड़ा बंबई। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, गुंगे है ना, नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते 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 नमस्ते।
40 लाख रघु शरबत लाओ। ये सामान और कपड़े लौटाने चल। बहादुर अपन जिस काम के लिए गया था वो हो गया ना? अरे वो काम तो हुआ भगवान की दया से, लेकिन तूने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी हम क्या किया? क्यों चुराई वो मिठाई? तुम हमको गूंगा बहरा बना दिया था, हम भूख में सच्ची गूंगा बहरा बन गया। बहादुर ये बेचारा सच्ची गूंगा बहरा है, हमसे भी ज्यादा भूखा है, हम अपना काना इसको दे देते। दे दो, दे दो। खुदा तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारे बाल बच्चे सलामत रहे। ये सचमुच गूंगा है, सचमुच गूंगा है। चल चल कपड़े बदल के देखना लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं नहीं। चल जल्दी कर चल। कहो आज फिर से कहो तुमको मुझसे प्यार है। तुम जानती हो मैं सच बोलता हूँ, फिर भी सुनो लो फिर से सुनो मुझको तुमसे प्यार है। मैं जानती हूँ वो कुछ यार ये कैसे लड़की, वो उसको बोलता है हम सच बोलता है नहीं तुम झूठ बोलते। चुप रहे। आंखों में झोंकी रानी पढ़ के तो देखो, पढ़ के तो देखो मेरे दिल की कहानी। आंखों में झांको मेरे सपनों की रानी, पढ़ के तो देखो, पढ़ के तो देखो मेरे दिल की कहानी। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलते हो, फिर भी कहो आज फिर से कहो तुमको मुझसे प्यार है। तुम जानती हो मैं सच बोलता हूँ, फिर भी सुनो तो फिर से सुनो मुझको तुमसे प्यार है। तुम जानती हो जानती हो मैं सच बोलता हूँ, फिर भी सुनो तो फिर से सुनो मुझको तुमसे प्यार है। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलते हो, फिर भी कहो आज फिर से कहो तुमको मुझसे प्यार है। मैं जानती हूँ क्या समझोगी यह प्यार की बातें। दिल में तुम्हारे पिया छलने की घातें समझ गई मैं। तुम क्या समझोगी यह प्यार की बातें। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलते हो, फिर भी सुनो तो फिर से सुनो मुझको तुमसे प्यार है। तुम जानती हो मैं सच बोलता हूँ, फिर भी कहो आज फिर से कहो तुमको मुझसे प्यार है। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलते।
ठीक है, अगर तुम यही समझते हो कि मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं दिलीप, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं पूछती हूँ कितना। मैं तुम्हें रांझा से, मजनू से, रोमियो से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी। हाँ रीटा, कुछ लोगों का सिर्फ प्यार होता है लेकिन शादी नहीं होती, कुछ लोगों की शादी होती है लेकिन प्यार नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब प्यार भी होता है शादी भी होती है, जैसे कि हमारी होगी। सुनो, अगर तुम्हारे पिताजी ना माने और नाराज हो गए तो तुम्हें डर नहीं लगेगा? जब प्यार किया तो डरना क्या? तो तुम उन्हें मना सकोगे? जरूर। मनाने पर भी वो कंजूस राजी न हुए तो? अरे तुम मेरे पिताजी को कंजूस कहती हो? तुमने खुद ही तो कहा था मैं अपने पिताजी को कंजूस या मक्खी चूस कहूँ, लेकिन तुम कह सकते हो तो मैं क्यों नहीं कह सकती? वो मेरे भी तो होने वाले पिताजी हैं। जब हो जाएंगे तब। नहीं नहीं, अगर तुमने मेरे पिताजी को कंजूस कहा तो मैं भी तुम्हारे पिताजी को। वो तो मुझे कभी का छोड़कर चले गए। सॉरी रीता, वेरी वेरी सॉरी। तुमने ठीक कहा था, शादी हो जाने के बाद मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी हो जाएंगे। सुनो, शादी के बाद हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी, एक खूबसूरत सा बंगला बनाएंगे, सामने एक अच्छी सी पहाड़ी होगी। पहाड़ी? नहीं नहीं, समंदर। पहाड़ी एक बेजान और मुर्दा चीज होती है, समंदर होगा समंदर। अच्छा, समुंदर ही सही। समुंदर के किनारे एक छोटा सा बंगला होगा और खिड़की में उगते हुए सूरज के ऐसे रंग का लाल पर्दा। धुत, लाल रंग से मुझे नफरत है। पर्दे का रंग होगा नीला, समुंदर की तरह। नहीं, पर्दे का रंग लाल होगा, लाल। नहीं, नीला नीला नीला। नहीं, लाल लाल लाल। मैं तुम्हारी खातर पहाड़ पर से समुंदर में उतरा, पर्दे का रंग भी तुम्हारी मर्जी का होगा। लाल पर्दे वाले कमरे में मैं कभी नहीं रहूंगी। और मैं नीले वाले में कदम भी नहीं रखूंगा। ठीक है, तब मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। शादी तो क्या, मैं तुम्हारा ये बंदर जैसा मुंह भी नहीं देखना चाहती। क्या तुमने मुझे बंदर कहा? तुम लोमड़ी हो, फॉक्स। मैं तुम जैसी लोमड़ी से बात भी नहीं करना चाहता। ओके, गुड बाय मिस्टर मंकी। गुड बाय मिस 20th सेंचुरी फॉक्स। बहादुर, तुम तो शादी के बारे में कह देता, ये लोग तो शादी से पहले तलाक के बारे में सोचते हैं। शेरा, तू लड़के को पकड़ के ले आ, मैं लड़की को मनाता हूँ। जा। ओ खुदा, हमको कैसा काम तुम देते हैं। ओ लाले की जान, ओ ये तेज़ हो, ओ तेरो लाले की जान। अरे किधर जाते तुम? आज फिर किधर जाते? ओ हम तुमसे लड़ने को नहीं आए। ओ खुदा का मत मारो हमको, हम बोलते हमको मत मारो सोलिम, मत मारो। आ जाओ भाई जान। गधा कहीं, मैंने तुझे इस तरह लाने के लिए कहा था? ओ यार, हम क्या करता था, ये अपना जवानी दिखाना चाहता था। हम इसको एक ऊंसा मारा, ये ले गया, उठा के ले आया। दिलीप, दिलीप। अरे तुम, मैं तुम्हें अभी दादागिरी का मजा दिखाता हूँ। दादागिरी? मामा। मामा? हाय हाय, ऐसे कितने मामा है तुम्हारे? दो है। एक ही काफी है। देखो, हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, तुम आपस में मोहब्बत करते हो? मोहब्बत? मैंने पिछले 7 जन्म से मोहब्बत करता हूँ। तुम 7 जन्म से करते हो तो मैं 8 जन्म से करती हूँ। तुम 8 से तो मैं 10 से, 20 से, 30 से, 40, 50, 60। तुम दोनों शादी करने के लिए तैयार हो? जरूर, लेकिन पर्दे का रंग लाल होगा। पर्दे का रंग नीला होगा। पर्दे का रंग लाल होगा। नीला, लाल, नीला, लाल, नीला, लाल, नीला, लाल, नीला, लाल। अच्छा बेटा दिलीप, अब हम रीटा को ले जाते हैं।
15 तारीख के बाद तुम ले जाना और हमने जो कुछ कहा उसे याद रखना, हम सब ठीक कर लेंगे। पिताजी की बात जरूर सुनना। ओहो जी, पति जी का बात ये क्या सुनेगी, तुम्हारा बात भी नहीं सुनते। चल शेरा चल। ओहो हमको किधर ले जाते हैं यार, इसको नीचे उतारो गाड़ी में, तो हम लोग को जाने गए। चल पूछिए यार, अभी भी हमारा समझ में नहीं आ गया, गाड़ी में हम लोग को जाने गए या दलीप को जाने गए। अरे उल्लू उन दोनों को अकेला रहने दे, बात कर ले। वो कुछ दो अकेला कैसे हो सकते और अकेला बात कैसे कर सकती। तू नहीं समझेगा, प्यार में सब कुछ होता। शेरा अब तो दिलीप को उतरने के लिए कहना चाहिए, गाड़ी चलने का वक्त हो गया। चलो चलो। और तुम तो बोलते थे कि ये लोग को बात करने दो, ये तो दोनों बेटे बेटे सोते हैं। यार मैं गुंगा हो गया। बहादुर ये तो प्यार में बेरा भी हो गया है। शेरा इसे जल्दी उतार दे गाड़ी से। बैठो तुम। ये तो प्यार में अंधा भी हो गया है। जल्दी कर। ये नाले का जान, वो शेर खान का जान, उठ जाओ गाड़ी जाते। उठो भाई साहब, ये चोरों उंगली हाथ तोड़ देगा उसका। चलो उठो बाद इसको। मेम दीदी। ओ बहादुर सिंह, तुम लोग आ गया। हाँ मेम दीदी, कैसे हो? आ रही बहुत अच्छी है मेम दीदी, बहुत अच्छी है। मेम दीदी मैंने आज तक तुम्हारे पास कोई चीज नहीं मांगी, बस आज एक चीज मांगता हूँ। बोलो। वादा करो। हम करेंगे, जरूर करेंगे, बोलो क्या है। मेम दीदी जो बात तुमने रीटा से छुपा के रखी है उसको और 15 दिन मत बताना। मैं कुछ नहीं बता सकता, ये बात छुपा के रखो, तुम्हारे भाई की कसम। रीटा बेटी जाओ अंदर जाओ, और याद है ना मेम दीदी को कुछ मत बताना। दादा सेकंड भैया तुम लोग आ गए। हाँ भाई आ गए। और सुन ये बिस्तर मेम दीदी के यहाँ ले जा और ये हमारे यहाँ पहुँचा दे। और सुन गिरदारी भैया और सबको कह देना आज शाम को मिले, बहुत जरूरी काम। बहुत अच्छा। शेरा सेठ जी के यहाँ जाके घर का बंदोबस्त कर शादी के लिए, और लॉरी भी भेज दे। लॉरी क्यों भेजेगा? शादी के लिए पैसे नहीं चाहिए। हाँ अभी बेचेगा। चलो नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बहादुर। सलाम सेठ जी। सलाम शेरखान। आओ दादा क्या बात है? सेठ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत? हाँ जरा खराब है। वो खुद कैसे ठीक होगा, ये जालिम का बच्चा गर्मी जो पड़ते है। हाँ बहुत गर्मी है। आप जैसे आदमी को तो पहाड़ पे जाना चाहिए। हाँ पहाड़ पर? नहीं नहीं ऐसी कोई खास गर्मी नहीं है, ऐसी तो सर्दी भी बहुत है, अभी मौसम बहुत अच्छा है। सेठ जी आज मौसम अच्छा है, कल मौसम खराब भी हो सकते है। कल क्यों, अभी भी मौसम खराब हो सकते है। हो सकते है ना? हो सकता है ना, क्या हो गया? देखो से हम साफ साफ कहते हैं तुमको ये मकान खाली करना पड़ेगा, हमको एक हफ्ते के लिए ये मकान चाहिए। खुचे तुम इसमें सोचता क्या है? नहीं नहीं सोचता कुछ नहीं, मैं शेरखान मैं ये सोचता हूँ कि ये मकान हफ्ता भर के लिए खाली करना पड़ेगा या जिंदगी भर के लिए। देखो सेठ जी अगर तुम अपनी खुशी से खाली करेगा ये मकान तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए, नहीं तो खुदा की कसम। मैं हफ्ता भर के लिए मकान खाली करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहाड़ पे मर भेजो, दिवाली आ रही है, हिसाब किताब ठीक करना है। ओहो दिवाली में अभी बहुत वक्त बाकी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ एक बार मेरा दिवाला, नहीं नहीं दिवाली हो जाने दो, फिर पहाड़ भी नहीं भाड़ में भेजो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ओहो तुम इतना बड़ा आदमी हो कि गरीब लोग के सामने झुकते क्यों है? देखो तुम इस मकान में नहीं रह सकते, तुम भीम सेठ है हम भीम सेठ है, एक होल के अंदर दो बंदूक नहीं रह सकते, समझे तुम? देखो सेठ जी देखो तुम हमको 7 दिन के लिए मकान दे दो,
खुदा तुमको इसका एवज दे। हमारा अल्लाह। हाँ से हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ पुण्य का काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा मुनीम नौकर बन के रहूंगा, मगर मुझे पहाड़ पे मत भेजो, मैं गरीब मर जाऊंगा। कोई बात नहीं सेठ जी, हम आपके दुख को अच्छी तरह समझते हैं, आप यहीं रहिए। ओ खुशी, तुम इसको अपना घर समझे। हाँ शेर खान, हम इसको तुम्हारा घर समझ के रहेगा। सेठ जी हमारा नहीं, अपना घर समझ के रहो। अपना मतलब तुम्हारा, तुम्हारा मतलब अपना। चल उठ 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 उठ, इस घर को ठीक ठाक कर देना चाहिए। शेरा पहले इस तस्वीर को यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसा माले का दादा है। चुप, ज्यादा बात मत कर, उतार दे। कुछ हम तुमको नहीं बोला बाबा, हम इसको बोले। ठीक है ठीक है, उतार। ये निकल देने हैं। कैसा? बिल्कुल शेर के जैसा। शेरा तुझे याद है ना, तो गुंगा भी और बहरा भी। यार हमको याद है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना, जैसे किसी का मकान छीन गया हो। और सेठ जी तुम्हें याद है तुम कौन हो? नौकर। नौकर नहीं, मुनीम। मुनीम भी तो नौकर ही है ना। और हम तुम्हारा सेठ है। चल 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 शेरा। ओ यार कुछ तुम पता नहीं किधर पता। चुप, तो गुंगा है। चल। अरे रामू। हाँ दादा। सब ठीक है? हाँ दादा, मैम दीदी को ताले में बंद करके आया। अरे ताला लगाने से काम नहीं चलेगा, किसी को बिठा दे वहाँ। ऐसा कर शांति बहन को बिठा दे। दीदी को पता लग गया तो सब भांडा फूट जाएगा। बारात आ गई। बारात आ गई। चला तेरा। चुन्नो, सुनो बेटा, तुम रीता को देखा? रीता दीदी, वो तो सेठ जी की यहाँ शादी में गई है। किसका शादी? अरे बाप रे, मैं तो नहीं बताऊंगा, दादा मारे गए। आइए लाला जी, आइए, तशरीफ रखिए, आइए। वाह वाह, क्या आलीशान मकान है, इसे देखकर तो मेरा भी जी चाहता है, तो मैं भी शादी कर दूँ। हाय हाय, लाला जी लड़के की शादी हो जाने दीजिए, ये मकान भी आप ही का हो जाएगा। ये कौन है? आप ही तो सेठ। मेरा मतलब है सेठ जी के मुनीम है। ये मकान भी तो सेठ जी का ही है ना। मुनीम जी मालूम होता है ये हिचकियों की बीमारी फिर से शुरू हो गई। जाइए जरा पानी पी के आइए। जाइए जाइए। शादी में कितनी देर है? बस अभी शुरू होगी। लड़की की माँ कहाँ है, उनसे तो जरा मिला दीजिए। लीजिए भाई शरबत लीजिए, शरबत लीजिए। ये लीजिए 10,000, 20, 30, 40, 50,000। अरे बाप रे, मुनीम के पास इतना रुपया? दादाजी हमारे सेठ जी का कुछ ऐसा ही है, लेकिन शादी हो जाने दीजिए, ये सब रुपए आप ही के हो जाएंगे। हाँ अरे भाई मुझे एक शरबत दो ना। आपने अभी देखा ही क्या है अंदर, जो दूसरी तिजोरी है ना सेठ जी की, उसमें कम से कम 50 लाख रुपए हैं। हाँ 50 लाख। अरे दूसरा ग्लास तो, दूसरा ग्लास तो लाला जी को। अरे देर क्यों कर रहे हैं, लड़के को ले जाइए, जल्दी जल्दी शादी करा दीजिए। चलो बेटा चलो, उठो उठो भाई, उठो उठो उठो। हाँ पंडित जी इतने जोर से पढ़िए कि सेठ जी भी सुन सके। बहादुर सिंह, ये लकड़ा का हंडी है,
जाते दिन चूल्हा का ऊपर नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो दूसरा दिन मालूम हो जाएगा, रीता का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है? लाला जी शादी बनाओ, जरूर बनाओ, एक बात समझ लो, रीता कभी बड़ा बाप का बेटी था पर अभी नहीं है, अभी हमारा माफी गरीब कंगाल आया का बेटी है। हाँ? ये लोग आपको ओ मेम दीदी तुमको क्या, ये बात है तो ये सब धोखा है, फरेब है। तुम एक अनाथ मुफलिस लड़की की शादी मेरे बेटे से करना चाहते हो, मैं ये हरगिज़ ना होने दूंगा। चलो दिलीप। ओ ख्वाम भी देखता है क्या कौन मई कनाल इधर फिस होता है, उठाओ इसको। तो क्या आप जबरदस्ती करेंगे? करेंगे क्या, कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत है तो बच के देखो। चलो दिलीप। दिलीप को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। नहीं मामा, इन्हें रोकिए मत, जाने दीजिए। बाबूजी आपने सब बातें ठीक कही, सिर्फ एक गलत कही। मैं इतने दिन तक एक अनाथ लड़की थी लेकिन अब नहीं हूं। जिसकी ऐसी माँ और ऐसे मामा हो वो इस दुनिया में अनाथ नहीं हो सकता। दिलीप तुम जा सकते हो। हाँ, चलो यहां से, ये शादी हरगिज़ नहीं होगी। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। क्या, तुम्हारा बाप भी जाएगा? हाँ पिताजी, आप ही जाइए। आज तक मैं आपकी बात मानता आया हूं लेकिन अब आपको मेरी भी माननी पड़ेगी। आपने हमेशा इंसान के आंसू को सोने में तोला लेकिन अब ये आंसू भावनाओं में तुलेंगे, कामनाओं में तुलेंगे। मैंने रीता से प्यार किया, शादी करूंगा तो इसी से। बंद करो ये बकवास, अगर तुमने इस लड़की का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तो हम क्या मर गए हैं? मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं इसे गोद लूंगा और अपनी पूरी जायदाद इसे दे दूंगा। शुक्रिया सेठ जी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर रीता मेरी हो गई तो यूं समझे कि दुनिया में सब कुछ मेरा ही। चुप रह बेशरम, बेहया कहीं का। मैं देखता हूं कैसे ये शादी होती है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। लालाजी ऐसा मत करो, मेरे माँ बाप की लड़की को आपका पाँव में जगा दो। लालाजी आपका पाँव में जगा दो। छोड़ दो मुझे, छोड़। मेम दीदी, मेम दीदी, मेम दीदी। शेखर बेहोश हो गई है, तुम्हें अंदर ले चलो। शेर खान भाई, मुझे अभी खबर मिली है कि पुलिस आ रही है। क्या हुआ? हम सब कपड़ा पहन के तैयार है। रणछोड़, हम दोनों के वो कपड़े वहां है ना, वो गोपाल वॉशिंग कंपनी वाले को वापस कर। अच्छा। राम सेठ जी, शांति भाई, तुम्हें एम दीदी का ख्याल रखना। बहादुर सिंह, मैं अब वो सूदखोर सेठ नहीं, मैं तुम्हारे में से एक हूँ, तुम चिंता मत करो। मेम दीदी की नहीं पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। खुदा हमारा तुम्हारा भला करेगा। शेर खान भाई, मगर शादी तो पूरी नहीं हुई, पुलिस आ गई तो? तो क्या हुआ, चलो बहादुर पुलिस को रोकेगा। चलो ये है वो बदमाश जो गुंगा सेठ बना हुआ था। क्या ये सच है? हाँ दानेदार साहब, बिल्कुल ठीक। और ये इसका साथी? ये ठीक है। 16। तो फिर आप लोग हिरासत में, मेरे साथ थाने चलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें सिर्फ 2 मिनट के। कुछ टाइम नहीं मिलेगा, आप इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए, ले चलिए। इधर से हमारा लाश जाएगा, हम नहीं जाएगा। आप देखते क्या है, आप इस शादी को पूरा होने से रोकिए। ये हिंदू शादी है, एक बार हो गई तो फिर आप तो क्या भगवान भी इसे नहीं तोड़ सकते। देखिए साहब, मैं इनको तो इंपर्सोनेशन के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ लेकिन ये शादी नहीं रोक सकता। लड़का भालिग है और आप ही ने तो बताया है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है। ऐसी शादी मैं तो क्या, खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। ओ तानेदार साहब, खुदा आपका बच्चा को सलामत रखे। अगर ये वर्दी तुम नहीं पहना होता था, खुदा कसम तुम्हारा मुंह चूम लेता। इंस्पेक्टर साहब, ये शादी हो जाने दीजिए, तो जहाँ जी चाहे हमें ले चलिए। उसके बाद तुम हमको फांसी पे लटका कर गोली मार दो, हमको कुछ परवाह नहीं। दादा शेर खान भाई, शादी पूरी हो गई, सत्यानाश हो गया, मैं तो लुट गया, मैं मारा गया। चलिए आप लोग खाने चलिए। तानेदार साहब, थोड़ा सा वक्त हमको और दे दो, हम जरा दुल्हन को एक दफा देख लेगा, फिर तुम्हारे साथ चलते हैं।
ठीक है ठीक है, जल्दी करो जाओ। चलो बाद में, चलो चलो। ड्राइवर वैन लो। मामा हम जा रहे हैं बेटी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। घबराने की कोई बात नहीं बेटी। देखो मेम दीदी का जरूर ख्याल रखना। देखो बेटा मेम दीदी तुम्हारी माँ से भी ज्यादा है, उसने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दिखाया। और तुम तो आज बिल्कुल मर्द की तरह काम किया है। हाँ बेटा देखो ये अंग्रेजी जेंटलमैन मत बनना, मैन बनना मैन। तुम तो शेर का बच्चा है, गीदड़ का बच्चा, फिर भी तुम खुदा कसम शेर का बच्चा। बहादुर सिंह, शेर खान, मेम दीदी, मेरा भाई, तुमने हमारा ये क्या किया? ये क्या किया भाई? कुछ नहीं किया मेम दीदी, कुछ नहीं किया। एक रोज तुमने कहा था ना कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, वो खुशी आज हमने ढूंढ ली। ये ठीक बोलते हैं मेम दीदी, हम इस आदमी को धोखा दिया है। ये लालची आदमी, इसने लालच के लिए सिवाय इसको पैसे की कुछ चीज नजर नहीं आता। तो मालूम है लालच में आकर ये तुम्हारा, तुम्हारी बेटी, अपने बेटे का जिंदगी बर्बाद कर देता। इसको दुनिया का कानून सजा नहीं दे सकता था, हम दे सकता था आम। अगर दुनिया का कानून ये समझता है कि हम कुछ गुनाह किया तो हमको जितना सजा देगा हमको कबूल है, मगर ऊपर का अदालत जानता है कि हम गुनाह नहीं किया, वो हमको कभी सजा नहीं देगा। इंस्पेक्टर साहब हमारे ऊपर मेहरबानी करो, हमारे बच्चे को ऊपर तरस खाओ, हम तुम्हारा पाँव पड़ता है, हमारा भाई लोग को छोड़ दो। मैं मजबूर हूँ मैम साहब, चलिए आप लोग। हमारा भाई नहीं, भाई। मैम दीदी, भाई। मैम दीदी। मामा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। गिरधारी भैया, इसे रोक लो, इसे रोक लो। बहादुर खुदा के लिए जल्दी करो, हम खून का दरिया देख सकते हैं मगर औरतों का आंसू नहीं देख सकते। चलो जल्दी चलो। तुम रोता क्यों है? हम हंसते हुआ जाता है, तुम हंसते क्यों नहीं? हंसो 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 हंसो। शेरा तेरा वो गाना तो सुना। कौन सा? वो मुसाफिर उदास न हो, अब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। तो लश्पा क्षमा बली, तो लश्पा उठे तुई, सड़े सड़े सल गया दमा, जा बचा दुनिया बगी रानी, ऐरा गिरा दिल गिर मशा, सरपा गिरे बली।